Hey everyone, this is Abigail and welcome back to my channel. So video का title देख के आप लोगों को जरूर पता लग गया होगा कि आज इस video में हम किस topic के ऊपर बात करेंगे. आज हम बात करेंगे paradox के बारे में. So finally, after MTV Hustle, paradox ने अपना पहला project drop किया है, जो कि है एक EP and जिसका नाम है The Unknown Letter. And उस EP का पहला गाना drop हो चुका है, जिसका नाम है Perfect. तो ये एक कमर्शियल ट्रैक है एंड इसको प्रोड्यूस किया है हितेन ने. एंड आप लोग जानते ही हो, हितेन जो है वो बादशाह के म्यूजिक प्रोड्यूसर है एंड उन्होंने किंग के साथ भी काम कर रखा है. सो ये एक सिंथ बेस्ड सॉन्ग है एंड करेंटली इंडिया में सिंथ वेव काफी पॉपुलर चल रहा है. और एक चीज है इस गाने के बारे में जो मुझे लगा, आई डोंट नो कितने और लोगों ने भी ये फील किया है, बट मैंने ये पर्सनली फील किया है कि ये गाना किसी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के गाने से बहुत सिमिलर साउंड कर रही है. सो ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट कौन है एंड किस गाने से ये गाना बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है, ये मैं आपको विद प्रूफ वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस ईपी का इंट्रो अगर आप लोगों ने देख रखा होगा तो वहां पे पैराडॉक्स को एक लेटर मिलता है, जिस लेटर पे वहां पे एक एड्रेस लिखा हुआ रहता है एंड उसी एड्रेस पे पैराडॉक्स जाते हैं. एंड जिस एड्रेस पे वो जाते हैं उसके बाद क्या होता है इस गाने में वही दिखाया गया है. सो इट स्टार्ट्स ऑफ विद सम पोएटिक वर्ड्स, जहां पे वो एक लड़की को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उनके बारे में बोल रहे होते हैं. एंड नथिंग न्यू इन इट. तेरी स्माइल और द लिपस्टिक परफेक्ट. एंड उसके बाद उनका वोकल स्टार्ट होता है. वेल ये शायद आप सभी को भी लगा होगा एंड मुझे भी लगा है कि यहाँ पे ऑटो ट्यून बहुत ज्यादा यूज किया गया है. आप लोगों ने पैराडॉक्स को ऑलरेडी सुन रखा होगा, वो बहुत सही गाते हैं. सो आई डोंट थिंक कि उनके वोकल्स के लिए इतना ज्यादा ऑटो ट्यून यूज करना चाहिए था. आई नो ऑटो ट्यून इज यूज टू एनहेंस योर वोकल्स, बट इस मामले में इट साउंडेड अ बिट रोबोटिक. So this was a bit disappointing for me. And इसके बाद उसका hook part आता है. Well, ये hook काफी similar sound कर रहा है एक international artist से. Well, ये तो मैं आपको video के end में ही बताऊंगी कि ये कौन से गाने से similar sound कर रहा है. आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं synth wave के बारे में. As you all know, this song is synth based and इसको produce किया है हितेन ने. So हितेन ने already बादशाह के लिए बहुत से synth based song already produce कर रखे हैं and उन्होंने king के साथ भी काम किया है. So इससे एक बात तो जरूर clear है कि जो paradox है वो commercial music में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. So MTV Hustle में हमें paradox का दो side देखने को मिला था. वो हार्डकोर गाने भी करते थे, he used to do melodies also. So ये देखना बहुत एक्साइटिंग था कि MTV Hustle के बाद पैराडॉक्स क्या करते हैं. एंड एज यूजुअल उन्होंने भी वही ट्रैक पकड़ा जो कि किंग ने पकड़ा था. नाउ लेट्स कम बैक टू द सॉन्ग. सो हुक के बाद उसका पहला वर्स आता है एंड वर्स को मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वो एज यूजुअल वो लड़की के बारे में ही बोल रहे थे. बट इसी सब चीज में म्यूजिक वीडियो में एक अलग ही स्टोरी लाइन चल रही होती है. तो वहाँ पे जो है पैराडॉक्स कुछ ढूंढ रहे होते हैं एंड उनको उन्हीं के जैसा दिखता हुआ एक लड़का दिख रहा था. सो ये स्टोरी क्या है वो तो इस म्यूजिक वीडियो में क्लियर नहीं हुई, शायद ये ईपी में आगे जाके क्लियर होगी. पर आपको ये नहीं लगा कि ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट किंग ने अपने कार्निवल एल्बम में ऑलरेडी कर रखा है? Well, I don't know, maybe he is inspired from King. And इसी suspense के साथ इस music video को end कर दिया जाता है. And हमें ये भी पता चलता है कि उनके EP में से जो आने वाले दो track है वो कब release होंगे. So अब बात करते कि ये track मुझे कैसा लगा. Well, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने शायद paradox से कुछ ज्यादा ही expectations करके रखे थे. लेकिन ये ट्रैक सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा disappointment जरूर हुआ. So इस गाने को मैं एवरेज रेटिंग ही दूंगी. एंड जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये गाना मुझे एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के गाने से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा था. वेल, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट कौन है एंड वो गाना कौन सा है. अभी मुझे
कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जो सिंथ बेस्ड ट्रैक्स होते हैं उनका जो बीट का सैम्पलिंग होता है या फिर जो बीट का काउंट होता है या फिर जो पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है। वेल, इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है द वीकेंड। द वीकेंड के गाने भी सिंथ बेस्ड होते हैं बट ही मैनेजेस टू ब्रिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम। सो अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि सारे सिंथ वेव सॉन्ग सिमिलर साउंड करते हैं, well then I won't agree with you. So मुझे बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह ये गाना The Weeknd के गाने से similar लग रहा है? Well, मुझे ये comment section में जरूर बताना। And अगर आप मुझसे disagree भी करते हो तो भी मुझे comment section में जरूर बताना। And मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को ये गाना कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जाके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड डू हिट दैट लाइक बटन। एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। सो इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू इंस्टाग्राम, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर देयर। ऑलराइट देन गाइज, आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।